भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में जो आगामी लोकसभा के चुनाव है 2024 का पूरा विवरण आज दिया है। उनके हिसाब से 20 मार्च से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और 1 जून तक मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब आप बताइए, आज हम 16 मार्च को खड़े हैं और आप 1 जून तक मतदान कर रहे हैं, मतलब 2.25 महीने के करीब का समय आप लगा रहे हैं, इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं आप? आपने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को आपने कोई नसीहत नहीं दी। हमने टीएन सेशन साहब का भी दौर देखा है, उतना कड़क शासन देखा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी पर भी यदि कहीं अंकुश लगाना पड़ा है तो लगाया है, लेकिन आपके बातों से, आपके बयानों से ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं। जिस प्रकार केसेस होते हैं, पैसे पकड़े जाते हैं, उसके बाद की क्या गिरफ्तारियां होती आज तक आपने बताया नहीं। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में आपने 7 चरण में चुनाव करवाया था, इतना लंबा समय क्यों देते हैं आप? आपको अच्छी तरह पता है कि सरकार में बैठे लोग कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, वो अपने आप को महाशक्ति कहते हैं, उनसे चुनाव लड़ना है। भारत के देश की 140 करोड़ जनता का यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो आप इस चुनाव को 4 चरण 3 चरण में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि 7 चरण में से आप बार बार करवाते हैं और आप सारी नसीहत केवल पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं? और आपको अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति आज देश में क्या हो गई है। सरकार के सामने सरकार तानाशाही रहती है, सरकार अहंकार में चूर रहती है। यही एक समय आता है जब सरकार को जनता सबक सिखाती है, और उसमें भी आपने ऐसी सहूलियतें पीछे दरवाजे से सरकार को देने का काम करते हैं जिससे विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। फिर भी अब हम सब चुनाव में जब आ ही गए हैं तो चुनाव में जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे और एक अच्छा लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र भारत देश में आए इसकी कामना करेंगे।